असलकम आज सी एस टू ज़ीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैक्चर नंबर थर्टी टू पिछली दफ़ा हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस किया था और फिर थोड़े से हमने सिंपल से एग्ज़ाम्पल्स लिए थे कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया था थोड़ा सा मैं रिकेप करता चलूँ नए ऑपरेटर्स यानी नए सिम्बल्स हम अपने तौर पर डिफ़ाइन नहीं कर सकते जो एग्जिस्टिंग सिम्बल्स हैं C++ में सिर्फ उन्हीं को ओवरलोड कर सकते हैं ओवरलोडिंग ऑफ ऑपरेटर्स इज़ एग्जैक्टली लाइक राइटिंग फंक्शंस हावर वी शुड टेक केयर कि जो ऑपरेटर का अपना ओरिजिनल मतलब था उसके करीब तर रहना चाहिए आई मीन वी शुड नॉट डिफाइन समथिंग लाइक कि ये प्लस ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन करता है और मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेटर डिवीजन करता है वी कैन डू दैट बट दैट्स अ बैड आइडिया मेक्स आर प्रोग्राम्स प्रैक्टिकली अन रीडेबल एंड अनडरस्टैंडेबल दैन वी सेट दैट बाइनरी ऑपरेटर्स विल रिमेन बाइनरी यूनरी ऑपरेटर्स विल रिमेन यूनरी वी लुक एट समर्म्स ऑफ कि जी ड्राइविंग फोर्स कौन सी होती है ऑपरेटर के पीछे अगर बाइनरी ऑपरेटर है तो लेफ़्ट वाली चीज़ उसको ड्राइव कर रही होती है और फिर हमने ये भी देखा था कि जी मेबर ऑपरेटर्स कब इस्तेमाल होते हैं और नॉन मम्बर ऑपरेटर्स कब इस्तेमाल होते हैं आज हम थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलेंगे एंड द रेफरेंस फॉर टुडेज लेक्चर द इज नथिंग मच न्यू टुडे बट द रेफरेंस गोज़ बैक ऑल ऑल द वे टू लेक्चर नंबर वन एंड दैट लेक्चर सेड पे अटेंशन टू डिटेल सो बार बार मैं ये कहूँगा कि जी दी डिटेल पे भी गौर करना है और कॉमन सेंस के ऊपर भी ख्याल रखना है लेट अस स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द माइनस ऑपरेटर अगेन फॉर आर कॉम्प्लेक्स क्लास सिंपल एनफ बिल्कुल जिस तरह हमने पिछली दफ़ा एक प्लस ऑपरेटर डिफाइन किया था पहले तो माइनस ऑपरेटर का एक्शन समझा जाए माइनस ऑपरेटर इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर लिहाजा इसके दो जो हैं आर्गुमेंट्स होंगे इन दिस केस बोथ विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेन वी सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे शुड रिटर्न अ कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिफाइंड एज रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो सो इफ यू लुक एट द मेंबर ऑपरेटर इट लुक्स वेरी सिंपली लाइक दिस कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर माइनस कॉम्प्लेक्स सी मेंबर ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं लिहाजा इसको एक आर्गमेंट पास होगा वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो माइनस साइन के राइट हैंड साइड पर आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो कॉल करने वाला है लिहाजा वो अवेलेबल है इस ऑपरेटर फंक्शन को बॉडी में जाएं एज विद प्लस ऑपरेटर हम एक टेम्प्री कॉम्प्लेक्स नंबर डिक्लेयर करते हैं सो वी से कॉम्प्लेक्स टेम्प फिर हम कहते हैं कि टेम्प का जो रियल पार्ट है दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द रियल पार्ट्स ऑफ़ द कॉलिंग नंबर एंड द नंबर दैट हैज़ बीन पास टू दिस फंक्शन सो वी से टेम्प डॉट रियल इक्वल्स रियल माइनस सी डॉट रियल सी वो है जो हमने पास किया है यानी माइनस के जो राइट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ था नेक्स्ट लाइन विसे टेम्प डॉट इमेज इक्वल्स इमेज ये वाला इमेजनरी पार्ट है लेफ्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का सो टेंप डॉट इमेज इक्वल्स इमेज माइनस सी डॉट इमेज रिटर्न टेम्प कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न कर दो सिंपल इनफ इसी का वेरियंट हमने पिछली दफा देखा था माइनस इक्वल टू आई विल अगेन रीकैप माइनस ऑपरेटर डिफाइन करने से माइनस इक्वल टू ऑपरेटर हरगिज़ डिफ़ाइन नहीं होता अगर हम उसको ओवरलोड करना चाहते हैं तो हमें फिर से उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा लेट अस सी हाउ दैट इज़ डन अगेन ये मैं तकरीबन रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें जो है ना क्लियरली आपके दिमागों में बैठ जाएँ कि कहाँ पर क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है माइनस ऑपरेटर जो माइनस इक्वल टू ऑपरेटर है वो लाइक द प्लस इक्वल टू ऑपरेटर बिहेव्स इन द वे कि उसका जो कॉलिंग पार्टी है विच मीन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी सो so अब हम चाह रहे हैं कि जी एक नंबर जो है वो बजात खुद अपनी वैल्यू भी चेंज कर ले जब वो माइनस इक्वल टू ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लेता है सो अगेन वी विल मेक दिस अ मेंबर ऑपरेटर फंक्शन लिहाजा इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर पास होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर right लिखा हुआ है माइनस इक्वल टू ऑपरेटर के और जब उसके अंदर जाएंगे तो अब हमें टेंप की एज सच ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि हम जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है उसको ही चेंज करना चाह रहे हैं सो वी कैन राइट रियल माइनस इक्वल टू सी डॉट रियल वेयर सी इज़ द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द माइनस इक्वल टू ऑपरेटर एंड इमेज और इमेज माइनस इक्वल टू सी डॉट इमेज देखें अब जो माइनस इक्वल टू इस्तेमाल हो रहा है इस ऑपरेटर के अंदर वो वो वाला है जो कि ऑर्डिनरी डबल प्रिसजन नंबर्स के लिए सी प्लस प्लस ने बजाते ख़ुद डिफाइन किया हुआ है सो अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ओवरलोडिंग कि जो ऑपरेटर हम ओवरलोड कर रहे हैं वो अंदर से अपनी ही किस्म का जो ओरिजिनल एनसेस्ट्रल या बेसिक ऑपरेटर था उसको इस्तेमाल कर रहा है एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस फंक्शन वी गेट आउट ओरिजिनल नंबर हैज़ बीन चेंज्ड हम चाहें तो उसका रेफरेंस रिटर्न कर दें चाहें तो ना करें डिपेंड्स कि हमने उसका यूजेज किया है फॉर द मोमेंट हम यहीं पे रहने देते हैं लेट्स गो ऑन माइनस हमने डिफाइन कर लिया पिछली दफ़ा हमने एक और क्लास के साथ भी काम किया था वो क्लास थी स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमने एडिशन को डिफाइन किया था एज ज्वाइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स तो क्या स्ट्रिंग क्लास के लिए माइनस भी डिफाइन कर सकते हैं the question is more philosophical minus operation does it make sense for class string to me it really doesn't i can't think of subtracting two strings unless i come up with some very very artificial definition If agar have string ho this is a test And dusri string ho string ho test So pehli string minus dusri strings means कि जी दूसरी स्ट्रिंग वाला वर्ड या वर्ड जहां पे आकर करते हैं उनको निकाल दो सो so, वहां तक इट मे मेक सम सेंस लेकिन अगर दूसरी स्ट्रिंग के अंदर लिखा हो माई नेम इज़ एक्स वाई जेड तो अब इनकी सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होगा द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हर ऑपरेटर हर क्लास के लिए मीनिंग नहीं रखता ओनली यूज देम वे दे मेक सेंस वे दे मेक कॉमन सेंस ताकि पढ़ने वाले को भी समझ आए when we are adding two strings together, it makes a lot of sense. okay, those strings, quapus, may join up to yatama a string cat operator called karu or yama plus operator but when we are subtracting strings, it does not make much sense. so we do not define it. only define things where they are self-explanatory, readable, understandable. let us shift our attention to another class that we have been using. that class is the date class. डेट के लिए लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ कि जी प्लस का क्या मतलब होगा माइनस का क्या मतलब होगा और यहां पे मैं वो रेफर करूँगा लेक्चर वन और टू वाली बात को पेइंग अटेंशन टू डिटेल अगर आपके पास कोई डेट हो और उसमें हम कोई नंबर ऐड करना चाहें सो so, आज की डेट प्लस फाइव डज दैट मेक सेंस टू यू मुझे तो इसमें कुछ सेंस नजर आती है कि जी जो भी आज की डेट है उसमें पांच जमा करेंगे तो एक नई डेट मिल जाएगी इसी तरीके से मैं कहूँ आज की डेट में से दस सब्ट्रैक्ट कर दो तो मुझे दस दिन पहले की डेट मिल जानी चाहिए सो so, यहां पे हेर इज अज वेयर प्लस एंड माइनस डू मेक कैन आई सब्ट्रैक्ट टू डेट्स टुगेदर ये तो अभी नंबर के साथ बात हो रही थी इंटिजर के साथ वट अबाउट टू डेट्स इफ आई से कि जी फर्स्ट जनवरी 2003 में से फिफ्टींथ अक्टूबर 2002 थाउजेंड सब्ट्रैक्ट करो तो उसका क्या मतलब होना चाहिए थिंक अबाउट इट वी विल कम बैक टू दिस इन अ मोमेंट फॉर द मोमेंट लेट्स गो बैक एंड लुक एट एडिंग अ नंबर टू अ डेट एडिंग अ नंबर टू अ डेट एंड नंबर विल बी एन इंटेजर हमने पहले तो उसकी डेफिनेशन अपने लिए कायम की कि इट विल रिजल्ट इन अ न्यू डेट विच विल बी सो मैनी डेज इन द फ्यूचर सो वीर एडिंग समथिंग ये क्लियर हो गई बात अब जरा उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं रिटर्न क्या होगा डेट ओके आई नीड अ न्यू डेट ऑपरेटर कीवर्ड फिर प्लस आ गया अब क्योंकि हम इसको एज अ मेंबर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं लिहाजा जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस के डेट ऑब्जेक्ट है वो तो इस ऑपरेटर को इस ऑपरेटर फंक्शन को पास हो जाएगा जो राइट हैंड साइड पे इंटिजर है वो एज एन आर्गूमेंट पास होना चाहिए सो so पैरेंथिस के अंदर भी से इंट आई आई इज द नंबर ऑफ डेज दैट वी वॉन्ट टू एड टू दिस डेट ऑब्जेक्ट नाउ कम्स द डिटेल पार्ट कैसे ऐड करें सोचें ज़रा आपके पास एक डेट है आज की डेट ले लें लिख लें कागज़ के ऊपर कॉपी में लिख लें और उसमें ज़रा पाँच जमा करके मुझे दिखाएं कि कैसे करेंगे इफ़ यू ट्राई टू एड अ नंबर टू अ डेट देर आर सो मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन सपोज आज की डेट जो है वो दो तारीख है किसी भी महीने की हम इसमें पाँच जमा करते हैं तो उस महीने की सात तारीख बन जाएगी नो प्रॉब्लम दैट वॉज स्टेप वन और केस वन केस टू लेते हैं आज महीने की 28 तारीख है अब इसमें पांच जमा करें तो क्या डेट आएगी पहली चीज़ जो ऑब्वियस है कि जी महीना तब्दील हो जाएगा और महीना तब्दील होगा लेकिन उसकी कौन सी डेट होगी वेल इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स कि जी इस महीने में 30 दिन हैं या इकतीस दिन हैं या ये फरवरी का महीना है और फरवरी का महीना है तो यह ईयर वाला साल है या ये नॉन लीप ईयर वाला साल है अगर तो ये नॉन लीप ईयर वाला साल है तो फरवरी में 28 दिन होंगे और अगर ये लीप ईयर वाला साल है तो फरवरी में उनतीस दिन होंगे भई ये लीप ईयर क्या बला होती है तो ये जी लीप ईयर के अपने रूल्स हैं अगर जो हमारे पास सन है ईयर जो है वो अगर चार से तकसीम होता हो और अगर वो सेंचुरी वाला साल है तो फिर वो 400 से तकसीम होता हो एग्जैक्टली विदाउट अ रिमाइंडर तो फिर वो लीप ईयर करा दिया जाता है सो नाव सेइंग कि व्हेन यू गॉट ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ अ मंथ एनी मंथ और उसमें हम पाँच जमा करना चाहते हैं तो अब कई केसेस बन जाते हैं कि कौन सा महीना था फरवरी था या नहीं था तीस दिन थे इकतीस दिन थे अट्ठाईस थे उनतीस थे उसके मुताबिक अगले महीने की डेट बदलेगी सो टू थिंग्स हैपन्ड द मंथ चेंज्ड एंड द डेट वेंट अकॉर्डिंग टू द करेंट मंथ नंबर ऑफ डेज और आगे चलें अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई वॉट इफ इट वॉज द ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ डिसम्बर एंड नाव यू वॉन्टेड टू एड फाइव चलें डिसम्बर है इकतीस दिन हैं तो सत्ताईस में तीन या चार हमने जमा किया चार जमा किया इकतीस आगे एक और जमा करेंगे पहली तारीख आ जाएगी किसकी अगले महीने की बट दिसंबर के बाद अगला महीना कौन सा आता है अब देखें अगर कंप्यूटर में आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपने प्रॉब्ली एरे डिफाइन की होगी और ट्वेल्थ मंथ के बाद थर्टीनथ मंथ आपको नहीं मिलेगा सो so, ट्वेल्थ के बाद आपको फर्स्ट मंथ पे जाना है फर्स्ट मंथ पे जाना है तो उतना काफ़ी नहीं है अब साल भी बदल गया है तो साल में भी एक इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत पेश आएगी सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट एक सिंपल सी चीज़ कि जी एक डेट के अंदर कुछ इंटीजर नंबर ऑफ डेज ऐड करने हैं इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन बट थिंक अबाउट इट, अगर वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक दफ़ा हमने लिख दिया और ये सारे रूल्स उसमें एम्बेड करके लिख दिया तो फिर प्रोग्रामिंग में हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी कि जी हमारा सेमेस्टर फलानी तारीख को शुरू होता है इतने दिनों का सेमेस्टर है लिहाजा खत्म कब होगा डेट सामने आ जाती है यू कैन डू डेट अरिथमेटिक मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है डेट में इंटीजर नंबर ऑफ डेज ऐड करने का इसका सारा कोड तो आपको हैंड आउट्स में मिल जाएगा मिल गया होगा आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह स्टडी करें बिकॉज दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पेइंग अटेंशन टू डिटेल इफ यू मिस वन केस एक चीज के ऊपर आपने गौर नहीं किया तो ये क्लास शायद आपके आज वाले लिखे हुए प्रोग्राम के लिए काफ़ी हो लेकिन ये जनरल यूज़ के लिए क्लास इस्तेमाल नहीं हो सकेगी सो इफ़ यू वॉन्ट टू पब्लिश योर वर्क यू वॉन्ट टू से हे आई एम द ग्रेटेस्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड ये देखो मैंने जो लिखा है इसको इस्तेमाल करो इस्तेमाल करो और क्योंकि तुम्हारी एफर्ट बच गई है मुझे दुआएं दो देन यू बेटर पे अटेंशन टू दिस डिटेल एंड मेक श्योर दैट योर क्लास हैंडल्स ऑल ऑफ दिस स्टफ़ इसी तरीके से काउंटर फंक्शन डेट में से कुछ डेज सब्ट्रैक्ट करने हैं अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि किस कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम है लेट्स डिस्कस दिसटल बेट है तो वही चीज बट इन रिवर्स जनवरी की तीन तारीख है उसमें से दस दिन सब्ट्रैक्ट करने हैं तो ना सिर्फ पिछला महीना जो जनवरी से पिछला महीना होगा नहीं लिहाजा वो दिसंबर में जा पड़ेगा दिसंबर बदल जाएगा उसके बाद साल भी एक पीछे चला जाएगा और फिर जो देखना है कि जी दिसंबर की कौन सी तारीख तो दिसंबर के नंबर ऑफ़ डेज़ भी मालूम होने चाहिए और फिर उनसे पीछे को गिनना भी पड़ेगा अगेन द सेम इशू कोई और महीना हो तो अब जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो करंट मंथ के नहीं चाहिए जिस महीने में डेट जा पड़ेगी उस महीने के नंबर ऑफ़ डेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सो प्रोग्रामिंग दैट इज़ आल्सो कॉम्प्लेक्स आई थिंक दैट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर यू टू डू दैट गोइंग बैक मार्च की तीन तारीख थी सब्ट्रैक्ट सेवन कौन सी डेट आएगी सो ना अगेन यू हैव टू डू सम कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर अरिथमेटिक बट कॉम्प्लिकेटेड अरिथमेटिक एंड सी के जी ईयर वाला साल है कि नहीं है लिहाजा उनतीस दिन थे फरवरी में या अट्ठाईस थे एंड काउंटिंग बैकवर्ड्स वहाँ पर जाके आप रुकें और कहें कि जी ये डेट रिजल्ट करती है

कि जी किस दिन उसने वापस ड्यूटी पे हाजिर होना है इट्स समथिंग दैट वी यूज एवरी डे इफ़ यू टेक अ नंबर आपके पास डेली वेजेस पे बंदा काम करता है तो डेली वेजेस मींस कि उसको रोज के रोज के कुछ पैसे हमने देने हैं लेकिन हम पेमेंट उसको रोज शाम को नहीं करते हम कहते हैं कि जी हफ्ते के बाद पेमेंट होगी अब वो कुछ अर्सा हमारे साथ काम करके एक दिन कहता है कि जी कल से मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ मेरा हिसाब कर दें ना वॉट यू वुड वॉन्ट टू डू इज डेट ऑफ लास्ट पेमेंट से लेके आज तक कितने डेज हैं डेट डेट अरेथमेटिक हो रही है सिंपल सो इट्स वेरी कॉमन यूजेज एंड राइटिंग अ डेट क्लास विद दीज अप्रोप्रिएट ऑपरेटर्स बिल्ट इन ओवरलोडेड वुड बी अ वेरी 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 यूजफुल एक्सरसाइज एंड इट एड्स टू योर ओवरऑल प्रोग्रामिंग वोकेबुलरी देखें प्रोग्रामिंग वोकेबुलरी जो है ना वो भी दो किस्मों की है एक तो वो है जो हम सी और सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स और ब्रैकेट्स और सेमी कोलन इनकी बात करते हैं दूसरी ज़रा सी हायर लेवल वकीबलरी है वो है कि जी हमारे टूल के इसके अंदर हमें क्या कुछ करना आता है जो पहला हिस्सा था इस कोर्स का उसके अंदर हमने देखा कि जी हमें लूप्स चलानी आ गई फिर नेस्टेड लूप्स चलानी आ गई तो हमें पता चला कि जी हम मेट्रिस को भी हैंडल कर सकते हैं वैक्टर्स को भी हैंडल कर सकते हैं आपस में उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं यूजिंग दो रूडिमेंट्री टूल्स नाव इफ़ यू थिंक अबाउट इट अगर मेट्रिक्स की हम क्लास बनाते और कहते कि जी इसके अंदर हमने एक मेम्बर फंक्शन बना दिया इनवर्स ऑफ अ मेट्रिक्स तो एक दफ़ा लिखते और बार बार उसको इस्तेमाल करते कि जी मेट्रिक्स इन्वर्ट करनी है हाँ जी फंक्शन बना हुआ है इसी तरीके से अगर डेट पे आ जाएं जो आज की क्लास है जिसकी बात हो रही है तो पुटिंग इन सम रूडिमेंट्री कैलकुलेशंस ऑन डेट अरिथमेटिक एक डेट में कुछ दिन जमा करो तो क्या डेट आती है कोई दिन सब्ट्रैक्ट करो तो क्या डेट आती है दे आर वेरी वेरी यूजफुल फंक्शंस और जो मैंने आखिरी एग्जाम्पल दिया वो डेली वेजेस वाले वर्कर का उसके अंदर यू वॉन्ट अनदर सब्ट्रैक्शन यू वॉन्ट डेट वन माइनस डेट टू अब देखें इसी डेट क्लास के अंदर माइनस ऑपरेटर बजाते खुद ओवरलोड हो रहा है पहले तो ओवरऑल माइनस को हमने डेट क्लास के लिए ओवरलोड किया कि जी डेट माइनस एन इंटीजर नंबर ऑफ डेज अब हम उसको ओवरलोड कर रहे हैं डेट माइनस डेट के साथ सो टू वर्जन ऑफ द माइनस ऑपरेटर यहाँ पे आएंगे यहाँ पे भी बड़ी डिटेल से आपको काम करना पड़ेगा के बिकॉज सब्ट्रैक्टिंग टू डेट्स इज रेलिटिवली नॉन ट्रिव्यूल वन चलें एज अ प्रोग्रामिंग आइडिया सिर्फ आइडिया की बात करता हूँ यू कोड थिंक इन टर्म्स ऑफ के लुक The, the, the calculation involved in subtracting two dates is too huge. Qui logical tests San may easily perform karsaku. Well, the answer is if date 1 minus date two implement implement and date one is smaller than date two. The first question is do we return a negative number? Okay, let's say we do. let's say we do. So date one minus date two could return, नेगेटिव नंबर और जीरो इफ़ the डेट्स आर आइडेंटिकल और a पॉजिटिव नंबर विच means कितने दिन का फ़र्क है दोनों डेट्स के अंदर चलें वो डिसीजन हो गया उसके बाद अब अंदर उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए एक आइडिया जो आ रहा है वो ये है कि जी मेरे पास कोई कैलेंडर कहीं पर रखा हुआ है और मैं सिंपली लूप चला देता हूँ जब तक नेक्स्ट डेट आती नहीं है और लूप काउंटर को पढ़ के मैं बता दूंगा इतने दिन गुजर गए गुड आइडिया बट फॉर दैट आई विल नीड दैट कैलेंडर के कैलेंडर पहले से डिवेलप हुआ पड़ा हो किसी लम्बी चौड़ी एरिए में पड़ा हो अगर यही कैलेंडर अगले साल में जा पड़ता यानी दोनों डेट्स डिफरेंट ईयर्स में होती तो इनकी कैल्कुलेशन डिफरेंट हो जाती आई विल नॉट सॉल्व दिस वन फॉर यू बट आई लेट यू थिंक अबाउट इट वॉट अबाउट द प्लस ऑपरेटर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट माइनस ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग्स इट डिट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मी प्लस ऑपरेटर फॉर टू डेट्स सिमिलरली डज नॉट मेक टू मच सेंस टू मी भाई एक डेट में कुछ दिन तो जमा किए जा सकते हैं लेकिन एक डेट में दूसरी डेट कैसे जमा की जाए उसका कोई लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं आता सो वी डोंट वॉन्ट टू डिफाइन सच अ फंक्शन अगेन ये याद रखें कि जो मीनिंग है ना हमारे ओवरलोडेड ऑपरेटर्स का वो काफ़ी हद तक ऑब्वियस होना चाहिए मैंने तो कहा है कि जी आप लिखना चाहें तो मर्जी जो दिल करता है वो लिख लें फंक्शन के अंदर लेकिन डोंट राइट थिंग्स जो कि किसी और को समझ ही ना आए सो आई वी विल नॉट डिफाइन अ प्लस ऑपरेटर फॉर द क्लास डेट जहाँ पे दो डेट्स जो है वो ऐड हो रही हूँ वी कैन ऐड अ नंबर टू अ डेट बट वी कैनॉट ऐड अ डेट टू अ डेट ये मैंने सारी डेट क्लास के बारे में जो बात की आइडिया बिहाइंड इट वॉज पेइंग अटेंशन टू डिटेल इट इज़ क्रूशल इट इज नेसेसरी थिंक ऑफ ऑल द वेरियस थिंग्स दैट कैन हैपन टेबुलेट दम डिटर्मिन द लॉजिक और फिर प्रोग्रामिंग करनी शुरू करें अगेन एन एग्जाम्पल दैट आई प्रोवली मैंशन अर्लियर डोंट स्टार्ट टाइपिंग योर प्रोग्राम बिफोर योर ब्रेन हैज़ कम टू द सेम पॉइंट can you first analyze the problem understand it look at all the cases maybe draw a flowchart, maybe write some pseudocode. and once you're comfortable with you do, karna kiya chate hai pehri the keyboard pe betting or apna program likhnashirukari jaldi na करें. years This time spent in analysis and design is arguably the best usage of your time as a programmer

नहीं आपको निकालना चाहिए द, डिबगिंग के स्टेज के ऊपर बिकॉज लॉजिक एरर्स आर वेरी वेरी हार्ड टू ट्रैक यू मे डस्ट नॉट वरी अबाउट द डिजाइन एंड स्टार्ट राइटिंग कोड दो केसेस के लिए वो चल भी जाता है आप डिक्लेयर कर देते हैं दुनिया को मेरा प्रोग्राम लिखा गया मैंने चला दिया जब दूसरी दुनिया आके उसको टेस्ट करने लगती है वो एक तीसरा केस दे देते हैं प्रोग्राम डंट वर्क इट यू नो प्रोड्यूसेस सम स्ट्रेंज रिजल्ट्स अब क्या करें सिंटेक्स एरर है नहीं कंपाइलर उसमें से आराम से गुजरता है एक्सिक्यूटेबल फाइल भी बना देते हैं हम उसको चला लेते हैं लेकिन अब उसके लॉजिक के पीछे हम लगते हैं और कोड में से लॉजिक डिटर्मिन करना इज अ मिलियन टाइम्स मोर डिफिकल्ट देन डिटर्मिन कोड फ्रॉम लॉजिक यानी पहले एनालिसिस एंड डिजाइन एंड देन द कोड प्लीज कीप दैट इन माइंड चले आज थोड़ी सी और बात करते हैं इस दफा हम यूनरी ऑपरेटर्स की बात करते हैं याद रहे यूनरी ऑपरेटर्स वो हैं जो कि एक आर्गूमेंट लेते हैं जैसे आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस हम करते थे इंटीजर्स के लिए इंक्रीमेंट एंड डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स अगेन टू रिकैप आप यूनरी ऑपरेटर को बाइनरी नहीं बना सकते आप बाइनरी ऑपरेटर को यूनरी नहीं बना सकते एक यूनरी ऑपरेटर विल बी ओवरलोडेड एज अ यूनरी ऑपरेटर सो नाउ लेट अस ट्राई टू ओवरलोड ऑपरेटर एंड लेट्स टेक फॉर द मोमेंट आर डेट क्लास हम कहते हैं हम प्लस प्लस ओवरलोड करना चाहते हैं पहले तो उसका मतलब डिटर्मिन कर लेना चाहिए यहाँ पे मतलब मुझे तो ऑबियस लगता है कि जी डेट को इंक्रीमेंट करना है तो कल की डेट आ जानी चाहिए सिंपल डेट प्लस इक्वल टू वन इज द सेम एज डेट प्लस प्लस सो दिस विल टेक विल सिंपली इंक्रीमेंट टू टमोरोज डेट ऑल राइट इसको पास क्या चीज होगी वही आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि जी अगर तो ये मेंबर फंक्शन है तो जो डेट ऑब्जेक्ट प्लस प्लस को कॉल कर रहा होगा वो तो प्लस प्लस ऑपरेटर को मिल ही जाएगा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इज अवेलेबल इफ इट इज अवेलेबल देन इट टेक्स नो आर्गूमेंट्स सो द डेफिनेशन विल बी इट रिटर्न डेट सो इट बी डेट ऑपरेटर प्लस प्लस नो आर्गूमेंट लिस्ट और अब हम इसकी डेफिनेशन में चले जाते हैं सेम आर्गूमेंट जो पहले मैं दे रहा था कि जी डेट को जमा करने का वो यहाँ पे अप्लाई होता है इन अदर वर्ड्स वी हैव टू पे अटेंशन टू डिटेल डिटेल मींस के जी अगर डेट में एक जमा करें तो कौन सी तारीख बन जाती है लेट्स ट्राई टू वर्क इट आउट कि जी वही बात अगर तो ये एक मंथ का आखिरी दिन नहीं है तो बड़े आराम से उसको इंक्रीमेंट कर दें सिर्फ तारीख को सिर्फ डे को इंक्रीमेंट कर दें और वापस आ जाएं। अगर वो करंट महीने का आखिरी दिन है तो अगले महीने की पहली तारीख डिटरमिन करके वो वापस कर दें और अगर सिर्फ ये आखिरी दिन महीने का नहीं है बल्कि साल का आखिरी महीना भी है तो फिर साल को भी इंक्रीमेंट कर दिया जाए सपोज़ वी हैव सम फंक्शन अवेलेबल जो कि डेज ऑफ मंथ रिटर्न करता है गिवन द मंथ नंबर सो इफ़ आई से डेज़ ऑफ़ मंथ सिक्स छवें महीने के डेज ऑफ मंथ मुझे बताओ तो वो जून के तीस दिन रिटर्न करेगा इट विल रिटर्न थर्टी एंड दैट फंक्शन लेट अस अस्यूम फॉर द मोमेंट इज़ इंटेलिजेंट इनफ़ कि अगर मैं उसको कहूँ डेज़ ऑफ मंथ टू तो वो या ट्वेंटी एट या ट्वेंटी नाइन रिटर्न करे डिपेंडिंग कि ईयर लीप ईयर है कि नहीं है लेकिन उसके लिए साल भी साथ देना पड़ेगा सो वी हैव टू मे बी सेंड इट द डेट पूरा स्ट्रक्चर उसको दे दिया जाए डेज ऑफ मंथ और आगे उसको मंथ नंबर की बजाय डेट पास कर दी जाए ताकि उसको मंथ भी हो और साल भी हो उसके पास एंड इट कैन डू एन इंटेलिजेंट रिटर्न इफ वी हैव सच अ फंक्शन लेट अस ट्राई टू राइट द प्लस प्लस ऑपरेटर यूजिंग इट देखें जो मैंने पिछली दफ़ा बात की थी ना डेज का प्लस ऑपरेटर जिसके अंदर हमने एक इंटीजर पास किया था लॉजिक सारा का सारा जो मैंने कहा था डिटेल वाला लॉजिक है वो इन अ वे इसमें शामिल हो जाता है बिकॉज डेट प्लस प्लस इज द सेम एज डेट इक्वल्स डेट प्लस वन सो हमने कहा कि जी डेज ऑफ मंथ हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया जिसको एक डेट पास होगी और वो रिटर्न करेगा कि जी इस महीने में कितने दिन हैं नाउ वी कैन गोइन टू द प्लस लॉजिक इट सेल्फ से कि जी सबसे पहले क्या किया जाए सबसे पहले अस ट्राई टू डिटर्मिन कि जी जो हमारे करंट डेट ऑब्जेक्ट का डे नंबर है वो क्या इस करंट महीने की आखिरी तारीख है या नहीं सो वी से इफ़ डे इक्वल्स डेज ऑफ मंथ अब आगे जो करंट ऑब्जेक्ट है वो हमने पास करना है इसको पास करने के लिए वी हैव टू से समथिंग लाइक के जी मैं कौन हूँ यहाँ पे यू हैव टू यूज़ द दिस ऑपरेटर दिस ऑपरेटर इम्प्लिसिटली हर मेंबर फंक्शन के पास अवेलेबल होता है दिस पॉइंटर सॉरी वो है इट पॉइंट्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट सो इस वक्त इस्तेमाल जो है इसका प्लस प्लस का लेट्स लुक एट इट, हमने प्रोग्राम के अंदर लिखना है डी प्लस प्लस वे डी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट जब प्लस प्लस ऑपरेटर के अंदर जाते हैं तो डी का जिक्र नजर नहीं आ रहा हमने कहा जी इसको कोई आर्गूमेंट ही नहीं पास हो रहा डी का जो जिक्र नहीं आ रहा तो उसके अंदर डी बजाते खुद इज अवेलेबल इधर फ्राम इट्स मेम्बर डेटा जैसे डे मंथ ईयर और थ्रू द दिस पॉइंटर अ स्पेशल पॉइंटर दैट पॉइंट टू द करेंट ऑब्जेक्ट हिन्स दिस पॉइंटर आज का मौजू नहीं है हम करते ये हैं कि जी डेज ऑफ मंथ की थोड़ी सी डेफिनेशन एक्सपेंड कर देते हैं उसमें तीनों चीज़ें पास कर देते हैं डे मंथ ईयर अभी के लिए हमें वो तो अवेलेबल हैं विल मेक इट सिंपल हमारा लॉजिक अब कह देता है कि इफ डे इक्वल्स डेज ऑफ मंथ और मंथ डे ईयर करेंट डेट का हमने पास कर दिया तो अगर ये डे और डेज ऑफ मंथ बराबर हैं तो इसका क्या मतलब होगा देखें इफ डे ऑफ द करेंट डेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज इन द करेंट मंथ देन इट इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ सिंपल इनफ अगर वो है तो देन वी हैव टू डू समथिंग एंड द समथिंग इज इंक्रीमेंट द मंथ बट बिफोर वी इंक्रीमेंट द मंथ वी शुड चेक कि ये बारवा महीना है कि नहीं सो इफ के अंदर दूसरा इफ़ शुरू हो गया इफ मंथ इज लेस देन ट्वेल्व ठीक है इट इज़ नाट डिसम्बर देन ऑल वी हैव टू डू इज डे इज इक्वल टू वन आखिरी दिन था ना महीने का सो नेक्स्ट डेट इज द फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग मंथ सो डे इज इक्वल टू वन एब्सोल्यूट नंबर लिख दिया मंथ इज इक्वल टू मंथ प्लस वन या मंथ प्लस प्लस ऑर्डिनरी इंटीजर वाला प्लस प्लस कॉल हो रहा है ईयर को हमने कुछ नहीं करना ये तो नॉन डिसंबर वाली डेट आ गई इफ का एल्स पार्ट आएगा एल्स पार्ट कहता है कि ये डिसंबर का आखिरी दिन था अब क्या होगा डे विल बी वन बट द मंथ विल बिकम जेनरी सो वी हैव डे इज इक्वल टू वन मंथ इज ईक्ल टू वन बट जनवरी ऑफ द नेक्स्ट यर दे फोर यर प्लस प्लस ये इसका इतना सा लॉजिक खत्म हुआ लेकिन ये लॉजिक पूरा ऊपर से चला था अगर ये महीने की आखिरी डेट थी तो उस का भी एल्स पार्ट है वॉट इफ दिस वॉज नॉट द लास्ट डेट ऑफ द मंथ वी सेल्स लास्ट डेट नहीं है तो सिर्फ कल की तारीख आ जाएगी विच इज अ सिंपल इंक्रीमेंट वी से डे प्लस प्लस डे के अंदर इंटीजर वाला प्लस प्लस चलाया बात खत्म होगी प्लस प्लस ऑपरेटर का काम खत्म सो द प्लस प्लस ऑपरेटर वॉज अ सिंपल वे ऑफ एडिंग वन टू द डेट ऑब्जेक्ट दैट कॉल्ड इट मेंबर ऑपरेटर एंड वी डिफाइंड इट एज अ मेंबर फंक्शन देफोर इट took नो no आर्गूमेंट्स पिछली दफा मैंने जिक्र किया था इसको नॉन मेंबर भी बनाया जा सकता है लेकिन फिर इसको एक डेट ऑब्जेक्ट देंगे एंड आई सी नो रीजन कि इसको नॉन मेंबर बनाया जाए क्या इसको, इसको इस्तेमाल करते हुए एक हमने ऑपरेटर लिख लिया प्लस प्लस इसको इस्तेमाल करते हुए क्या हम अपना पुराना वाला प्लस फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थिंक अबाउट इट आई आई नाउ सी अ न्यू वे ऑफ डूइंग दैट प्लस प्लस ऑपरेटर हमने डेट के लिए डिफाइन किया था कि जी वो एक इंटीजर नंबर ऑफ डेज उसको देंगे कि जी यहाँ से डेट कौन सी बनती है नेक्स्ट आगे को चल के एंड इट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर अब अंदर जाके आई कैन राइट अ वेरी सिंपल लूप इन द प्लस ऑपरेटर आई कैन से फॉर आई इक्वल टू वन आई लेस देन द नंबर दैट वी हैव पास इट ठीक है जो हमने कहा पाँच दिन से बढ़ा दो तो आई लेस देन फाइव इंक्रीमेंट आई और इस लूप के अंदर मैं क्या कहूंगा उसको प्लस प्लस कर दो सडनली वो हमारा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक बॉयल डाउन टू जी इंक्रीमेंट बाय वन इंक्रीमेंट बाय वन इंक्रीमेंट बाय वन टिल यू हैव इंक्रीमेंटेड बाय द डिजायर्ड नंबर ऑफ डेज दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कोड री यूज नाव नो बॉडी इज़ परफेक्ट वी के नॉट सी ऑल द वे डाउन टू के जी हमारा प्रोग्राम कहाँ कहाँ जाएगा या हम उसको लिखते हुए भी हम कितनी कॉन्टोशन या रेपिटेशन से गुजरेंगे लेकिन अगर क्लास को लिखते वक्त वही बात कोड लिखने से पहले हम बैठ के ज़रा इसको सोच लें कि जी ये इसका स्ट्रक्चर होगा ये इसका पब्लिक इंटरफेस होगा इस तरह हम इसकी वैल्यूज़ सेट करेंगे इस तरह वैल्यूज़ दि, दि, मतलब डिस्प्ले करेंगे और फिर इसके साथ हमें ये ये ऑपरेटर्स डिफ़ाइन करने होंगे और ये पहले लिखते जाएँ लॉन्ग हैंड के अंदर अंग्रेज़ी उर्दू के अंदर और ऑपरेटर्स का थोड़ा सा मतलब भी लिखते जाएँ कि जी प्लस ऑपरेटर क्या करेगा प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करेगा तो अ गुड रूल ऑफ़ थामबेज कि अगर आप प्लस और प्लस प्लस का मीनिंग तकरीबन वही रख रहे हैं जो ऑर्डनरी अरिथमेटिक में हम रखते हैं तो प्लस प्लस ऑपरेटर हमेशा प्लस इंटीजर ऑपरेटर के अंदर काम आ सकता है कीप दैट इन माइंड वी रोट वन एंड वी कैन ऑलवेज यूज़ दैट डेफिनेशन इन अनादर मेम्बर फंक्शन सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कोर्ड री यूज एंड देर इज अ साइड बेनिफिट साइड बेनिफिट यह आ जाता है कि हमने प्लस प्लस लिख लिया और प्लस लिखते वक्त हमने प्लस प्लस को कॉल किया और उतनी दफ़ा कॉल कर लिया जितनी दफा हम उसमें नंबर एड करना चाहते थे और फिर पता चला कि जी कहीं पर कोई लॉजिकल बग रह गया है ना सम लिटल प्लेस वेयर फॉर एग्जाम्पल वो डेज ऑफ मंथ ने ना गलत नंबर ऑफ डेज रिटर्न कर दिए हैं पहली चीज डेज ऑफ मंथ वॉज अ मेंबर फंक्शन एंड दैट वी यूज इन द्लस प्लस ऑपरेटर डेफिनेशन प्लस प्लस ऑपरेटर वॉज अ मेंबर फंक्शन वी यूज दैट इन द प्लस ऑपरेटर डेफिनेशन वी बिल्डिंग हायर आर की अगर डेज ऑफ मंथ के अंदर कोई लॉजिकल एरर रह गया है तो वो प्लस प्लस को भी अफेक्ट करेगा और देअ फोर प्लस को भी अफेक्ट करेगा लेकिन अगर हम डेज ऑफ मंथ को ठीक कर लेंगे तो प्लस प्लस भी ठीक हो जाएगा प्लस भी ठीक हो जाएगा मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस दैट वेन एवर वी राइट सम कोड हम उसको एक नज़र दौड़ा लें कि जी यही चीज़ हमने कहीं और तो नहीं फिर से लिख रहे इसी क्लास के अंदर अगर तो वो दोनों जगहों पे नज़र आए कि जी वो डेज़ ऑफ मंथ यहाँ पे भी कैलकुलेट हो रहे हैं यहाँ पे भी कैलकुलेट हो रहे हैं लीप ईयर इधर भी डिटर्मिन हो रहा है इधर भी डिटर्मिन हो रहा है तो फ़ौर बग़ैर सोचे हुए उसको एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश करें हो सकता है कि वो इकट्ठा जगह हम कर रहे हैं वो एक यूटिलिटी फंक्शन की हैसियत अख्तियार कर ले यूटिलिटी फंक्शन वो है जो कि बाहर से कभी कॉल हो गई नहीं वो क्लास के प्राइवेट हिस्से के अंदर हो जाएगा चला जाएगा लेकिन मेंबर फंक्शंस उसको कॉल कर सकते हैं सो आई वुड राइट डेज ऑफ मंथ फंक्शन एज़ अ प्राइवेट यूटिलिटी फंक्शन प्राइवेट टू द डेट क्लास उसको डेट ऑब्जेक्ट ही पास होगा और वो सिंपली करंट महीने के नंबर ऑफ डेज रिटर्न कर देगा हैविंग चेक्ड कि जी ईयर है कि नहीं है और कौन सा महीना है और 30 दिन का है या इकतीस का है उसके टोटल डेज वापस कर देगा उस एक यूटिलिटी फंक्शन के साथ प्लस प्लस भी हमारा लिखा गया प्लस भी लिखा गया काफी जिंदगी आसान हो गई सो डू नॉट रिपीट कोड इन अ क्लास डू नॉट रिपीट कोड एनी आई मीन दैट्स अ जनरल रूल इफ आर गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग माइटर मेक इट अ फंक्शन एंड टेक इट आउटसाइड एंड कॉल द फंक्शन इसको हमने थोड़ा सा एक जगह पे कहा था कि जी एफिशियंसी और स्पीड के लिए आप चाहें तो उस कोड को रिपीट कर दें बट देन वॉट वी डू इज वी स्टार्ट यूजिंग मैक्रोज Here we are saying, if you put all your logic in a single place and then reuse and reuse and reuse, तो उससे आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत सारी सेफ्टी आ जाती है बहुत सिक्योरिटी आ जाती है कि अगर कहीं गलती हुई तो वो गलती ढूंढने में जितनी भी एफर्ट लगे वो एक गलती ठीक करने से बाकी तमाम क्लास का स्ट्रक्चर जो है या बिहेवियर जो है वो ठीक हो जाएगा लेटेस्ट लुक एट सम इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी कैन डू विद दिस डेट क्लास एक कामन चीज़ जो है हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है वो ये कि जी ये डेट दूसरी से बड़ी है कि नहीं इन अदर्ड अ कम्पेरिजन ऑपरेटर सो लेस दैन ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्ल टू और इक्वल टू डबल इक्वल टू यह सारे कम्पेरिजन ऑपरेटर्स हैं वो भी ओवरलोड हो सकते हैं डेट के लिए हम ओवरलोड करना चाहें तो कैसे करेंगे हाउ डू वी डिटर्मिन वेदर डेट वन इज ग्रेटर देन डेट टू पहली चीज रिटर्न टाइप इसकी क्या होगी रिटर्न टाइप हैज टू बी इधर ट्रू और फॉल्स इट सेज डेट वन इज ग्रेटर देन डेट टू और डेट वन इज नॉट ग्रेटर देन डेट टू सो लेट अस इंट्रोड्यूस अ लिटल न्यू कीवर्ड द बूल की वर्ड बी डब्लो एल न्यू डेटा टाइप बड़ी सिंपल है इट्स अ बुलियन इट ओनली टेक्स टू वैल्यूज़ ट्रू या फॉल्स सो so, जो ग्रेटर देन हमारा जो ऑपरेटर है उसकी रिटर्न टाइप विल भी बूल सो वी राइट एज अम्बर फंक्शन वूल ऑपरेटर ग्रेटर देन और फिर एक आर्गमेंट उसको पास होगा डेट डी सो डी वो वाला होगा जो ग्रेटर देन के राइट हैंड साइड पर डेट ऑब्जेक्ट आएगा वो पास होगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे डेट ऑब्जेक्ट है वो इसको अवेलेबल है बिकॉज दिस इज़ अ मेंबर ऑपरेटर ऑफ द क्लास लॉजिक क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन बिफोर राइटिंग कोड थिंक अबाउट इट मैंने डिटर्मिन ये करना है करेंट डेट जो है जिसका हमारे पास नाम नहीं है लेकिन डेटा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कॉल कर रही है ग्रेटर देन ऑपरेटर को वो डेट डी से बड़ी है कि नहीं अगर ये मैं पूछूं कि जनाब जो करेंट डेट है उसका साल डेट डी के साल से बड़ा है तो क्या ये डेट बड़ी होगी आंसर इज ऑब्वियसली येस इफ द ईयर इज़ ग्रेटर देन द डेट इज ग्रेटर हाँ अगर साल बराबर है तो फिर क्या देखना है कि जी करेंट डेट का महीना जो है वो डेट डी का महीने से बड़ा है कि नहीं अगर बड़ा है डेट इज़ अगेन ग्रेटर आंसर वुड बी ट्रू अगर बराबर हैं तो देन यू गो डाउन इन से डे जो है वो बड़ा है या नहीं एंड सो ऑन सो इट्स अ वेरी सिंपल हायरिकल लॉजिक नन द लेस टू बी एबल टू राइट दिस लॉजिक क्लीनली यू शुड डू अ केस बाय केस राइटिंग ऑन पेपर एनालाइज कर लें क्योंकि इसका उलट भी चल सकता है अगर डेट जो हमारा कॉलिंग वाला ऑब्जेक्ट है उसका साल दूसरे वाले के साल से कम है तो वहीं से ही वापस चले जाओ आंसर इज फॉल्स सो यू कैन गो ईदर ट्रू 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 वाला लॉजिक और यू कैन गो फॉल्स वाला लॉजिक समटाइम्स फॉल्स इज क्विकर यू फाइंड वन टेस्ट एंड यू डन ठीक सो दूसरा तरीका ये है कि जी इफ एल्स इस्तेमाल कर लें हिसाब बराबर है अगेन वर्क इट आउट इन डिटेल द अदर इंटरेस्टिंग थिंग विद दिस एग्जाम्पल वॉज कि जी रिटर्न टाइप क्या थी इसकी रिटर्न टाइप आई सेड वॉज बुलियन सो इन आर यूजेज प्रोग्राम जहाँ से ये डेट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे होंगे सपोज यू हैड डेट डी वन एंड डेट डी टू तो वी वुड राइट समथिंग लाइक इफ डी वन ग्रेटर दैन डी टू वाई वुड वी राइट दिस सिंपल आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू और फॉल्स फ़ स्टेटमेंट को अंदर एक बोलियन वैल्यू चाहिए ट्रू या फॉल्स अगर उसकी रिटर्न टाइप ये है तो ईफ स्टेटमेंट एज इज चलेगी सो यू कैन राइट वेरी नाइस क्लीन कोड सेइंग इफ डेट वन ग्रेटर देन डेट टू तो ये करो वरना जो भी करना है एक दूसरा पॉइंट जो है देखें ये जो ग्रेटर देन ऑपरेटर था ये डेट क्लास का मेम्बर ऑपरेटर है लेकिन कहीं ऐसी चीज़ तो हमने नहीं कही कि इसकी रिटर्न टाइप डेट ही होनी चाहिए इन दिस केस द रिटर्न टाइप इज बुलियन सो इज दैट अ वायलेशन ऑफ एनी रूल आंसर इज नो द रिटर्न टाइप कैन बी एनी थिंग यू वॉन्ट इट नीड नॉट बी अ टाइप और अ डेटा टाइप ऑफ द सेम क्लास इट कैन बी एनी थिंग द सेम अप्लाईज टू डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स अ डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स विल बी एन इंटीजर इट इज स्टिल अ मेम्बर फंक्शन it simply tells me the number of days between the two dates and we already decided it could be negative or positive but it's an integer so koi a rule nahi hai member operators wo class object return current. they can return whatever is necessary so now you can go and write your own functions for the date class all the comparison operators greater than greater than or equal to equal to लेस देन और इक्वल टू लेस देन। याद रहे कि जब भी हम कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं तो ये चार पांच ऑपरेटर्स जो हैं ये कंप्लीट सेट बनता है इफ़ यू राइटिंग वन यू माइट एज राइट ऑल ऑफ दोज डेट क्लास हमने काफ़ी डिवेलप कर ली और इसके ऊपर मतलब कोड यू कैन हैव यू हैव इट इन योर हैंड आउट आई वुड प्रिफर कि जी आप हैंड आउट को एक दफ़ा स्टडी कर लें ज़रूर स्टडी करें अच्छी तरह देख लें लेकिन फिर उसको बंद कर दें बंद करके एज एन एक्सरसाइज अपने लिए डेट क्लास डिफाइन करने चलें डेट क्लास की डेफिनेशन में वही प्रिंसिपल्स आप सामने रखें कि इसके अंदर क्या होना चाहिए इसकी वैल्यूज़ सेट कैसे करनी है इसके कंस्ट्रक्टर्स हमें क्या चाहिए इसके डिस्ट्रक्टर होना चाहिए या डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर चलेगा दैट्स अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक उसके बाद इसके मेंबर फंक्शंस क्या होने चाहिए जो बाहर से नज़र आएँ Interfaces का क्या होगा एंड ऑन लुक एट दैट क्लास एंड यू स्टार्ट ऑपरेटर्स, ऑपरेटर डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एक्सेट्रा जिस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है और फिर इसी डेट क्लास को हम एग्जाम्पल देते हैं हम कहते हैं डेट प्लस फाइव एंड वी वालेडी से आंसर शुड बी डेट a date object which is 5 days later than the calling object. What if we wrote 5 plus date? I had mentioned this in the previous When a situation like this happens, and it can happen, when you write a class and you publish it for usage, other programmers might want to use it. Unka logic says days plus date, where days in an integer. सो यू गॉट अ सिचुएशन जहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो चीज आ रही है वो इंटिजर है फिर प्लस ऑपरेटर आ रहा है और फिर डेट ऑब्जेक्ट आ रहा है और डेज प्लस डेट वापस क्या करें इट शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट इफ इट रिटर्न दैट यू नीड येट अनदर फंक्शन यू नीड अनदर ऑपरेटर यू विल है दिस क्लास लिस्ट दम आउट राइट डाउन देयर बिहेवियर बी वेरी क्लियर वॉट यू एक्सपेक्ट देम टू डू एंड देन स्टार्ट राइटिंग द क्लास इसको ले लें कि जी डेज प्लस डेट एक इंटेजर प्लस डेट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए तो लेफ्ट साइड पर क्या आ रहा है इंटीजर अगर इंटीजर लेफ्ट साइड पर आ रहा है तो ये मेम्बर फंक्शन तो हो नहीं सकता मम्बर फंक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट कॉल करता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर रहा है यहाँ पर तो इंटीजर कॉल कर रहा है सो इट हैज़ टू बी इधर अ फ्रेंड फंक्शन ठीक है बाहर बैठा हुआ है इंटीजर के साथ डिफाइन हुआ है दो इसको आर्गमेंट्स मिलेंगे एक इंटीजर मिलेगा एक डेट ऑब्जेक्ट मिलेगा और फिर उसके ऊपर क्योंकि वो फ्रेंड है तो जो डेट ऑब्जेक्ट मिलेगा उसके अंदर वाला स्ट्रक्चर इस फंक्शन को अवेलेबल होगा एंड यू वुड क्रिएट अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द डेज एंड द डेट पास टू इट एंड रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट एज द रिटर्न टाइप सो दिस इज़ क्वाइट द अपोजिट ऑफ वॉट वी जस्ट स्पोक अबाउट मैंने अभी बात की थी कि जी मेम्बर फंक्शन के लिए कोई लाजमी नहीं है कि वो रिटर्न क्लास का ही ऑब्जेक्ट करे सो यू नो वी रिटर्न इन इंटिजर और वी रिटर्न अबोलियन फ्रॉम अ मेंबर फंक्शन यहाँ पर हम उसके उलट बात कर रहे हैं कि एक नॉन मेबर फंक्शन जो है विच इज़ अ फ्रेंड इन दिस केस इज़ रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेट सो इट कैन वर्क बोथ वेज एंड देर इज नो लॉ देट इज दिस कैनोट वर्क वेन वी हैव लिस्टेड आउट कॉम्प्रीहेंसिवली कि हमारी क्लास का इंटरफेस क्या होगा इसको इंटरफेस कहते हैं क्या क्या फंक्शंस बाहर से नजर आएंगे क्या क्या ऑपरेटर्स हम बाहर से इस्तेमाल करना चाहेंगे जब ये डेफिनेशन हो जाए जब हमने हर एक का दो दो लाइनें लिख दी कि ये क्या करेगा ये क्या करेगा ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा फिर आप जाएँ उसका कोड लिखने की तरफ और बात वही है कि कोड लिखते लिखते आप कहेंगे यार ये क्लास तो बड़ी लंबी हो गई है लेकिन जब क्लास लिखी गई लपेटी गई कंपाइल हो गई उसका ऑब्जेक्ट कोड बन गया तो मेन प्रोग्राम के अंदर डेट ऑब्जेक्ट मसला ही कोई नहीं एक हेडर फाइल हमारी डेट डॉट एच अपनी बनाई हुई वो इंक्लूड करेंगे और अंदर जाके मज़े से डेट डी वन डी टू डी थ्री d1 वन प्लस फाइव डी टू माइनस डी वन इस तरह के सारे ऑपरेशन कर रहे होंगे डेट डॉट डिस्प्ले कर रहे होंगे बड़ी खूबसूरती से डेट डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर हम कहेंगे डेट को इनिशलाइज कर दो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल यानी जितना हम काम करते रहते हैं क्लास की डेफिनेशन उसके अंदर वो काम ज़ाया नहीं होता वो हमारी जो मेन प्रोग्राम program की प्रोग्रामिंग थी उसमें बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देता है एंड द बिगेस्ट बिगेस्ट सिंगल एडवाटेज the encapsulation that has happened all of the logic that was needed to manipulate the objects in this case of class date is now encapsulated in that class behavior all we need to do is go to that class correct that behavior recompile the program and we are done conventional functional programming or yes, structured programming can ये लॉजिक जो था ये प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों में बटा होता था इट वॉज़ एवरीवेयर कहीं पे कुछ चीज़ एम्बेड हुई है कहीं पे कुछ हुई हुई है कहीं पे कुछ हुई हुई है नुकसान उसका भी याद रखें कि हम पहले स्पेगेटी कोड से चल के वो समयों वाला कोड जिसकी बिल्कुल समझ नहीं आती थी हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की तरफ गए थे यहाँ पर हमने फंक्शनल डेफिनेशन अलहदादा कर दी लेकिन अब जब हमने देखा कि जी एक डेट टाइप मैनिपुलेट करने के लिए पहले तो हम कोई स्ट्रक्चर लेते फिर उसके लिए बीसियों फंक्शन लिखते और फंक्शन जो है वो किसी सोर्स फाइल में होंगे हमारे प्रोग्राम में जब जरूरत पेश आई नया फंक्शन लिख दिया काम चला लिया यहां पे हम सारी फंक्शनैलिटी जो है वो डेट क्लास के अंदर इनकेप्सुलेट कर रहे हैं विच इज अनदर रीजन फॉर डूइंग ऑल ऑफ द होमवर्क ऑल ऑफ द थिंकिंग दैट वी वॉन्ट टू डू बिफोर वी राइट द कोड आई विल स्टिल से जी देर इज नो वे ऑन अर्थ दैट यू कैन डिटर्मिन तमाम डेट क्लास की यूजेज और वो यूजेज अगर सारे के सारे आप डिटर्मिनेट करने बैठे हैं और लगे छः महीने लगे मुझे हम डेट क्लास बना रहे हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं कोड फिर लिखेंगे वो भी इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है वी वुड वॉन्ट टू कीप इट विद इन लिमिट्स बट डू द होम वर्क देन यू राइट इट इन वन प्लेस एंड योर लॉजिक एंड योर स्ट्रक्चर एंड ऑल इट्स मैनिपुलेशन आर नाइसली इनकेप्सुलेटेड नाव यू री यूज दैम एज मैनी टाइम्स एज यू वॉन्ट डू द होम वर्क वेल चलते चलते एक और यूजेज मैं बताता चलूँ वो है फ्रेंड ऑपरेटर्स की अभी तक हमने फ्रेंड ऑपरेटर्स की बात की कि जी वो क्लास में इस्तेमाल उनकी रिक्वायरमेंट तब आ जाती है जब जो ड्राइविंग करने वाली चीज़ है वो क्लास का ऑब्जेक्ट ना हो यानी इंटीजर प्लस डेट जैसा एग्जांपल आ जाए तो अब ऑपरेटर को ड्राइव जो है वो इंटीजर कर रहा है सो व्हाट डू वी डू वी यूज़ अ फ्रेंड फंक्शन बट देर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे फ्रेंड ऑपरेटर्स जो हैं वो दो मुख्तलिफ़ क्लासेस को मैनिपुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं क्लासिक एग्जांपल ये फिर मैथ में जाना पड़ेगा हम वेक्टर्स और मेट्रिस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और अगर मल्टीप्लाई करना हो एक वेक्टर को एक मैट्रिक्स के साथ तो फिर जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो दोनों का फ्रेंड होगा और उसको दो चीज़ें मिलेंगी एक वेक्टर मिलेगा एक मैट्रिक्स मिलेगी और फिर उसका ऑपरेशन डिफाइन होगा सो कीप दैट इन माइंड Friend operators can also be used to, in a way, glue two classes together. The classes also may become intricately linked, but then we have all the set and get functions which we can use. Enough about operator overloading for the moment, but as usual, my stress is please experiment for yourself, write your own overloaded operators, and see how they work. And for fun, नॉट एज अ प्रैक्टिस बट फॉर फन उलट पुलट ऑपरेटर भी लिख के देखें प्लस लिखें जो कि मल्टीप्लाई करता हो मल्टीप्लाई लिखें जो कि माइनस करता हो और फिर ज़रा एक प्रोग्राम भी लिख के देखें कि जी इस लॉजिक के साथ आप प्रोग्राम लिख भी सकते हैं कि नहीं आई एम श्योर यू विल एग्री एट द एंड ऑफ द डे कि प्लस का मतलब प्लस ही रहना चाहिए मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई ही रहना चाहिए टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफ़